घर में बेटा सुख शांति नहीं है। आपका जो बच्चा है इसके ऊपर राहु और मंगल का नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण आगे आगे बच्चा हाथ से निकल जाएगा, गलत संगत में जाएगा, जिद्दी बन जाएगा, अड़ियल बन जाएगा, अपने मन से काम करेगा, घर में कुछ ना कुछ हारी बीमारी अशांति बनी रहेगी बेटा। जी, ऐसे ही ऐसा हो हो रहा रहा है, है बिल्कुल बेटा। हो रहा है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है आपके। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण जीवन में सुख नहीं है। और दूसरा, आपको जन्म से ही केतु का भी दोष लगा है। बृहस्पति आपका पीड़ित है, केतु के अच्छा, दोष ऐसा के नाम है कारण केतु भी जी। संतान के सुख में कमी आती है। केतु के प्रभाव के कारण संतान कुबुद्धि बन जाती है। यदि केतु पीड़ित हो जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव संतान कुबुद्धि बनेगी। संतान की तरफ से सुख नहीं, दुख प्राप्त होगा। बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, अड़ियल बन जाते हैं, बात मानते नहीं है, और घर में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। एक तो बेटा आपने क्या करना है, आने वाले बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले को, बेटा आपने पुरुष व्यक्ति को दान करना है। बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल किसी गरीब व्यक्ति को, मांगने वाले को बेटा दान करना है। और 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम जौ, ये बेटा बुधवार के दिन ही बेटा बच्चे के सिर से 7 बार वार कर उल्टा उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा बेटे को धारण करना है, शुद्ध पुखराज रत्न आपको धारण करना है। और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी सी केतु की शांति करवाएं और मंगल की बेटा विशेष शांति प्रक्रिया करवाएं, जिससे आपके जीवन में सुख होगा, बच्चा सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। घर में तामसिक भोजन नहीं खाना, घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। रात को घर में रसोई बिल्कुल बेटा साफ करके सोया करो। और सच्चे मन से उपाय करना बेटा, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आशीर्वाद है, आपके काम बेटा आपसे दोंगे, बच्चा सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ देवी अपराजिता आपके कार्य सिद्ध कर दे।